स्वच्छ चंद्रयान क्या कर रहा है, ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए हो। मैं बताता हूं, आज शाम 6:05 पर रोवर लैंड हुआ। जैसे ही लैंड हुआ तो चांद की सतह पर जो धूल थी वो चारों तरफ उड़ी, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम ग्रेविटी होती है और वहां वैक्यूम भी है। इस वजह से धूल को सेटल होने में, मतलब उड़ तो गई लेकिन उसको नीचे आने में घंटों लगते, और लैंडिंग के वक्त चंद्रयान का सिस्टम भी सेटल होने के लिए वक्त लेगा। उसकी लैंडिंग के 3 से 4 घंटे बाद रोवर लैंडर के अंदर से निकलेगा और कुछ दूर तक आगे जाएगा और अपने कैमरे से लैंडर की फोटो लेगा, और उसी समय लैंडर भी रोवर की तस्वीर लेगा और धरती पर भेजेगा। यानी दोनों एक दूसरे की फोटो लेंगे, और जो आपके मन में प्रश्न है कि पहली तस्वीर कब आएगी, कौन सी आएगी, उसमें अभी हो सकता है 1-2 घंटा और लगे, लेकिन पहली तस्वीर यही आने वाली है कि लैंडर रोवर की फोटो लेगा प्रज्ञान की, और प्रज्ञान जो है वो लैंडर विक्रम की फोटो लेगा। मतलब जैसे नहीं कहते कुछ अच्छा हो जाए, भाई एक मेरी फोटो ले ले, तो कहेगा ला तू भी मेरी ले ले, तो दोनों एक दूसरे की फोटो लेके भेजेंगे। इसके बाद रोवर अगले 14 दिन के लिए साउथ पोल की सतह पर सैंपल को उठाएगा, उसकी टेस्टिंग करेगा, टेस्टिंग के रिजल्ट इसरो को भेजेगा, इसरो वैज्ञानिक उसका विश्लेषण करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि चंद्रमा के साउथ पोल की मिट्टी, बर्फ और चट्टानों में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। अगर चंद्रमा से मिले सैंपल में रेयर मेटल्स, पानी, फ्यूल कुछ मिलता है तो यह जानकारी इसरो दुनिया से साझा करेगी। 14 दिन बाद मिशन पूरा हो जाएगा और लैंडर और रोवर वहीं पर रहेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि सिर्फ 14 दिन के लिए क्यों भेजा जा रहा है। पृथ्वी के 14 दिन चंद्रमा के 1 दिन के बराबर होता है, मतलब अगर आप चंद्रमा के लिहाज से कहिएगा तो 1 ही दिन होगा, लेकिन यहां पृथ्वी पर 14 दिन हो, पृथ्वी की तुलना में 14 गुना बड़े होते हैं चांद पर। चंद्रयान के रोवर में सोलर पैनल लगे हुए हैं और वो उसी की एनर्जी से चलेगा और एक्सपेरिमेंट करेगा। इसकी वजह से रोवर केवल दिन में काम करेगा। रोवर के दिन में काम करने की एक और वजह यह भी है कि रात के वक्त चंद्रमा के साउथ पोल पर तापमान -250 डिग्री तक चला जाता है, जिसकी वजह से रोवर के चिप और सेंसर खराब हो सकते हैं। भारत के लिए कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इससे भारत के स्पेस मिशन को बहुत हिम्मत मिलेगी। भारत ने अपने स्पेस मिशन के लिए बड़े बड़े सपने देखे और चांद का सपना पूरा हुआ तो पूरा भरोसा है कि भारत के दूसरे सपने भी पूरे होंगे। इसको लेकर भी पीएम मोदी ने आज कुछ कहा, उसको भी सुन लीजिए। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट।